हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो होगा आपके जो चश्मा है, चश्मा पे हम लोग जो कि सेंसर को लगाएंगे और एक सेंसर लगेगा दरवाजे पे। तो हम लोग जब भी दरवाजा ओपन करेंगे तो सिर्फ चश्मा पे जो सर्किट है इसको सिर्फ दबाएंगे और ऑटोमेटिकली दरवाजा ओपन हो जाएगा। ये एक जो कि बेहतरीन पासवर्ड से आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दो माइक्रोकंट्रोलर के जरिए हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये वीडियो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। 1885 माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक आर्डिनो नैनो लेना होगा। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं, सिर्फ इसका पिन डायग्राम को कनेक्ट करना होगा ठीक से। डिजिटल पिन 10 नंबर का कॉमन नाम है SS, उसके बाद डिजिटल पिन 11 नंबर का है MOSI और डिजिटल पिन 12 नंबर का नाम है MISO और वैसे ही डिजिटल पिन 13 नंबर का नाम है SCK। इस तरह 1885 का कॉमन नाम है। यहाँ पे 8 नंबर जो है वो BCC, 7 नंबर है SCK, 6 नंबर है MISO और 5 नंबर है MOSI और इस तरफ हम लोग देख सकते हैं ग्राउंड और SS। तो इन पिनों को एक साथ कनेक्शन करना होगा, लेकिन इससे पहले हम लोगों को आर्डिनो के अंदर एक प्रोग्राम डालना होगा, इसके बाद 8080 पे कनेक्शन करना होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्चुअली रिसीवर सर्किट है। इस पर देखिए एक सेंसर लगा है जो कि IR सेंसर है और इस पर एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है और एक रिले और कुछ कंपोनेंट के जरिए ये काम करेगा। तो रिले के जरिए हम लोग 12 वोल्ट को ऑपरेटिंग कर सकेंगे, जो कि दरवाजा का जो लॉक है वो लॉक को हम लोग रिले के मदद से हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग इसको काम करने के लिए जो रिमोट है, मतलब जो सेंसर है हम लोग जो चश्मा पे लगाएंगे, वो सेंसर अभी हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अभी देखिए ये जो सेंसर है जो हम लोग चश्मा पे लगाएंगे ये हमने बना दिया है। इसके पीछे एक छोटा सा बैटरी हमने लगाया है ताकि ये काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुश बटन है और एक 1885 का माइक्रोकंट्रोलर है। तो और इस पर हमने 4 IR सेंसर लगाया है ताकि आसानी से बहुत दूर से काम करे। तो ये जो IR जो कि सेंटर है इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। आप चाहे तो एक सेंसर भी इस पे फिट कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग इसको चश्मा पे लगाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग इसको ऑपरेटिंग करेंगे। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी देखिए, ये हमने प्रोजेक्ट को बना दिया है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, दरवाजे पे लगा के टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप जो कि IR सेंटर आप देख रहे हैं, इसको मैंने फिट किया है। तो यहाँ पे एक बटन है, बटन को दबाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं, इसको पावर देते हैं पहले। तो अभी देखिए पावर आ गया इसमें। तो जब भी इसको दबाएंगे तो देखिएगा ये लॉक खुल जाएगा। तो देखा आपने, इसको दबाने पर ये दरवाजा ओपन कर सकते हैं, ये डोर लॉक खुल जाता है। फिर से दबाते हैं तो ये बहुत ही इजी से हमने इसको बनाया है। तो अभी हम लोग इसको दरवाजे पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं हाथ में, इसको हम लोग चश्मा पे फिट करेंगे एक साइड पे। फिट करने के बाद ये आसानी से काम करेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने सर्किट को अभी यहाँ पे फिट कर दिया है और सेंसर जो है वो यहाँ पे हमने लगा दिया है, जो कि चश्मा पे आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा है सेंसर और छोटा एक बैटरी हमने इस पे फिट किया है। तो IR जो सेंडर है, इसके मदद से हम लोग जो प्रोग्रामिंग सेंड करेंगे, यहाँ पे IR रिसीवर है, तो ये रिसीव करके यहाँ पे एक माइक्रोकंट्रोलर है, वो प्रोग्रामिंग को रीड करेगा। करने के बाद डोर लॉक को ओपन करेगा। तो मैंने इस पर दरवाजे पे अभी फिट किया है, तो जब भी इस बटन को दबाएंगे तो ये दरवाजा ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको डेमो दिखाते हैं। तो देखिए दरवाजा ओपन हो गया है। तो ये आप दरवाजे को ओपन कर सकते हैं इस तरह। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही दूर से काम करता है, ठीक है। रिमोट जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वही इस तरह काम करता है। तो आप करीबन जो कि 30 मीटर दूर से आप इसका ऑपरेटिंग कर सकते हैं, अगर बैटरी का चार्ज फुल चार्ज होगा तो ही काम करेगा। तो जब भी इस पे फिर से दबाते हैं, आपको दिखाते हैं, तो देखिए दरवाजा ओपन हो गया है। तो ये एक टाइमिंग मैंने फिट कर दिया है, दरवाजा को ओपन करके जो बंद हो जाएगा। आप टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक सेंसर हम लोग बना सकते हैं, वो भी चश्मा में फिट कर सकते हैं और इसी के जरिए हम लोग दरवाजा को ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।